नमस्कार अपना परिवार में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ गुलगुले, जो हमारे बिहार का फेमस है। ऐसे तो बहुत चीज़ें हमारे बिहार के फेमस है, लेकिन आज मैं बना रही हूँ, आपको बता दूँ। मैंने लिया है ये चावल का आटा लिया है, ये मैंने सौंफ लिया है, मैंने दूध लिया है, कुछ मैंने ड्राई फ्रूट काट के मैंने रखा है, मैंने गुड़ रखा है और इनो रखा है, और मैंने गिलास पानी लिया है। तो चलिए हम बताते हैं कि गुलगुले बनते कैसे हैं। तो इसका हम स्टफिंग तैयार करते हैं। पहले तो मैंने इसमें चावल का आटा मैंने रख दिया है। अब इसमें हम सबसे पहले दूध डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। गुलगुले का बैटर हो गया है रेडी, देखिए बिल्कुल आधा से कम ही पानी लगा है, और जो दूध था वो भी मैंने डाला है, और मैंने कुछ नहीं, ये मैंने कुछ सौंफ डाल देती हूँ, जिससे है गुलगुले का टेस्ट अच्छा आएगा। कुछ ड्राई फ्रूट हम इसमें डालते हैं, और जो मैंने गुड़ जो लिया था वो भी हम इसमें डालते हैं। ये मैंने कूट लिया था बिल्कुल बारीक कर लिया, जिससे हमसे गांठ न रहे, अच्छी तरह से मैंने इसको वो कर लिया है, बारीक बारीक कूट के मैश कर लिया है मैंने। अब हम इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा गुलगुले का पेस्ट बिल्कुल रेडी हो गया है। अच्छे से मैंने इसमें गुड़ को मैंने मिक्स कर दिया था, और इसको हम थोड़ा सा इनो डाल देते हैं, या तो आरा रोट भी डाल सकते हैं इसमें। अब मैं आरा रोट इसमें डाल रही हूँ, हम इसमें इनो डाल रहे हैं, एक चम्मच केला हुआ, थोड़ा सा आरा रोट डाल दिया जिससे थोड़ा टाइट रहेगा हमारा गुलगुले, और इनो डाल देती हूँ जिससे हम अच्छी तरह से हमारा गुलगुले फूलकर रेडी होगा। आपके पास बेकिंग पाउडर है या बेकिंग सोडा है तो आप डाल सकते हैं, जिसे आप जल्दी चाहें बनाकर खा सकते हैं, या तो नहीं भी है कुछ भी तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अभी ये पेस्ट तैयार करके सारे रख दीजिए और कल सुबह बनाइए, बहुत अच्छे बनेंगे, फूले फूले, बहुत टेस्टी बनता है गुलगुले। ठंड में तो खाने का मन करता ही है। देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम गुलगुले बनाएंगे। तो हम गुलगुले बना रहे हैं, जो हमारा गुलगुले है बिल्कुल मार्केट के तरह बनकर रेडी हुआ है। देखिए कितना अच्छा और कितना बढ़िया है। शाम के समय बच्चों को कुछ खाने के लिए या खाने के बाद कुछ मीठा खाने का मन करता है, तो इसके लिए तो बनाना पड़े, मीठा कुछ चाहिए, तो इसके लिए आप बनाइए, इसी तरह अपने बच्चे और परिवार के साथ एंजॉय करिए। बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लग रहा है गुलगुले। मैंने चावल के आटे से बनाया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हमारा गुलगुले बन के रेडी हुआ है। ये देखिए हमारा गुलगुले बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और बहुत अच्छा बना है हमारा गुलगुले। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। आप इसको बटर के साथ, मलाई के साथ खाइए, बहुत टेस्टी का, बहुत अच्छा लगता है। आप इसी तरह बनाइए और खाइए, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना करना भूलें। नमस्कार।